आज होने वाली है खूब कसरत, बहुत सारी वर्जिश। अरे छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन का सदुपयोग तो होना चाहिए ना। वैसे मैं बात कर रहा हूँ अदिति शर्मा की। जी हाँ, वो ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं कि उन्हें देखकर आप भी इंस्पायर हो जाएंगे। वेलकम टू सास बहू साजिश, और मैं हूँ अदिति शर्मा। आज आपके साथ दिन स्पेंड करने वाली हूँ, तो हम चलते हैं मेरे साथ वर्कआउट करने। एंड एज यू नो, ऑनलाइन ज़माना है, लॉकडाउन के बाद से जिम मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि घर पे ही सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं। एंड आई हैव अ ऑनलाइन ट्रेनर जो दिल्ली में बैठ के मुझे मुंबई में ट्रेन करते हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर आई गेट टू लेट। तो मैंने अपना जिम अपनी अलमारी में ही बना रखा है, और अपने कमरे में ही मैं वर्कआउट करती हूँ। बेडरूम ही मेरा जिम खाना है। गुड मॉर्निंग। सो वी स्टार्ट आवर सेशन बिकॉज हम थोड़े लेट हैं। वर्कआउट ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स तो नहीं लेती, सो आई सिंपली हैव सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड लेमन वाटर। तो इससे आपका जो भी स्वेट होता है, एनर्जी होती है, वो काफ़ी इंटैक्ट रहती है, एंड आप वीक नहीं फील करते, बेसिकली एनर्जेटिक फील करते हो। सो इट्स लाइक माई एनर्जी ड्रिंक। नेक्स्ट ये कि मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। तुरंत नहाने नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी जब वर्कआउट करते हो तो गर्म होती है, तो तुरंत अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे इन जनरल, तो एकदम से आपकी बॉडी सर्द गर्म हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ब्लड प्रेशर एकदम से अभी धीरे धीरे डाउन जा रहा है, राइट, क्योंकि मतलब नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल लेवल पे, बिकॉज वर्कआउट किया तो हार्ट रेट अप है फिलहाल, तो धीरे धीरे लो होगा। अदरवाइज आप एकदम से नहाओगे तो देर आर चांसेज ऑफ हार्ट अटैक, देर आर चांसेज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक और एनी थिंग कैन हैपन, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट। ABP News, आपको रखे आगे।